अम्मी अम्मी बताओ क्या हुआ? I'm so happy. अल्लाह ने मुझे प्रपोज किया. ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. इसका मतलब है महनाज को फहद के लिए मना करना पड़ेगा. अपॉलॉजी के साथ. शुक्र है अज़लान ने कोई फैसला तो लिया. तुम्हें खुश देख के ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला. मेरे भी. शीरीन तुमने ये न्यूज़ सुनाकर मुझे खुश कर दिया है. मेरा दिल खुश हो गया है. हाँ अज़लान आ गया है. ओके ओके अल्लाह हाफिज़. लगता है शीरीन आंटी ने भांडा फोड़ ही दिया. चलो शुक्र है तुमने कुछ डिसाइड तो किया बेटा. तो ये बता शनाया को बहू बनाने का मेरा अरमान था, दिली अरमान. मुझे पता क्या लगता है? लगता है कि आप शीरिया आंटी और फाद ने मिलके मुझे ट्रैप किया. मॉम थोड़ा डर भी लग रहा है. डर? कैसा डर बेटा? अब देखो तुम उसे प्रपोज कर चुके हो, अब पीछे मत हटना. अम्मा आप तो जानती है ना हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है. बेटे दुनिया अलग है ना, दिल तो तुम दोनों के मिले हुए हैं. और जहां मोहब्बत होती है ना बेटा वहां फासले नहीं होते. हाँ जी. हाय डैड. ओह ये आज क्या माँ बेटे में मोहब्बत प्यार इतना सारा. तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? यार साहब को बहुत मुबारक हो, फाइनली आपके बेटे ने शनाया को हमारी बहू बनाने का फैसला कर लिया है. रियली? ओह वंडरफुल. आई एम सो हैप्पी. कांग्रेचुलेशंस बेटा. थैंक यू. शी इज अ वंडरफुल गर्ल. शी इज बहुत अच्छी बच्ची है. तो मीठा मुंह नहीं करना या इसी तरह हमने? जी जी आपको तो मीठा खाने का बहाना चाहिए ना. चलिए अंदर लेट्स सेलिब्रेट.